जाना है, ठीक है। ये मेरे मामा हैं जो हंस रहे हैं। अरे ठुक गए, ठुक गए, ठुक गए, ठुक गए। अरे भाई उड़ गए। तो अब हम आगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेस में। बाय बाय। ये है हमारे यहाँ का लॉन्ग व्यू और अब हम जाएंगे यहाँ से पानी और आपको लॉकडाउन के साथ दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय। चंदवाल गांव, यहाँ के 90% लोग यहाँ के चंदवाल हैं। चंदवाल एक कास्ट होती है वैसे। हाँ, तो अब आगे मिलते हैं। नीचे खेत भी हैं। आगे आंटी लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। मैं मास्क लगाओ, मास्क भी लगा रहे हैं, मस्ती करने में लगे हैं। हम तो मिलते हैं अभी रस्ते में, ठीक है। बाय बाय। आगे क्या कहा जाता है कि इसको दुनिया का एंड बोलते हैं लोग। जो आगे आपको दिख रहा होगा हल्का सा पत्थर ऐसे हुए ऐसे वहाँ वहाँ पे, हाँ वहीं वहीं पे। सो आपको वहाँ तक दिखाते हैं हमारे अच्छे से व्यू। सीधे में हमारे सफर में देख लीजिए। तो हम चल रहे हैं, साइड पॉइंट कहते हैं वैसे मेनली। यहाँ से बहुत ज़्यादा सुसाइड किया था, उसको ब्लॉक कर दिया गया वैसे तो, बट क्या कर सकते हैं, लोगों का भी सुसाइड कर सकते हैं। आपको भी अगर थोड़ा सुसाइड करना तो आप यहाँ अरे नहीं मैं साथ। बाय बाय। सो नेक्स्ट स्टॉप हमारा शिरडी है, अभी वहीं मिलेंगे। ओके बाय बाय। है सलड़ी, सलड़ी सिरडी नहीं सलड़ी। ओके, ये वाटरफॉल है, इसको नाला भी कह सकते हैं आप। और ये है सलड़ी 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 सलड़ी, हाँ यही है ना सलड़ी। ये और ये है मामा की रेस्ट प्लेस। सो यहाँ हमें रुकना है। ये है मामा की हालत, मामा के हिप्पोपोटामस में दर्द हो रहा है। मेरी भी सेम हालत है। चलो मामा चलो। ये दर्द हो गई, ये दिक्कत है भाई को। बैठ देखो, लिखा कहाँ लिखा? हाँ ये देखो, यहाँ पढ़ भी लो यार, सलड़ी लिखा है। हो गया स्टॉप कर, हो गया ख़त्म। ये मामा के एवेंजर। हाँ शक्ल तो दिखा दो, आपने इनको मूवीज में बहुत बार देखा होगा। इन्हें देखा है तो इन्हें देखो, मास्क ऊपर कर लिया। पॉपुलरिटी है इनकी, तो पहली बार जो पिटता गुंडों से। हाँ जो जो भी है, वैसे इनकी 24 है, 30 ज़्यादा मत बोल देना। छोटे छोटे मामा मेरे, और वहाँ पकौड़ी बन रही है। और क्या कहना है, देख लो आप, नाम पढ़ लो। सलड़ी सलड़ी सलड़ी। ओके बाय। ध्वनि के लिए पकौड़ी खा लिया, पकौड़ी वकौड़ी खा ली है, चाय पी ली है, और पेमेंट हमारे बॉस ने किया है। छोटे ठहरे, छोटे होने का कुछ तो फ़ायदा होता है। वहाँ पे दारू बार और यहाँ पे वो है अड्डा, अड्डा अड्डा ये अंकल ही बैठे हैं। उनको ज़्यादा चढ़ गई है। गोल इसके लिए है ना, पीने वाले ना, पीने वाले अगर स्क्वायर में होंगे तो गिर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर गोल में होंगे ना तो यहाँ से लड़के स्क्वायर होते तो जाकर गिरते बैठ जाते। हाँ तो अरे हम अपना वीडियो पे जाते हैं, तो क्या बताओ हमारी बैठे हैं। बाय बाय। हल्द्वानी पहुँचने वाले हैं।
बस आधा घंटा हमें लगने का, कम से कम आधा घंटा लगेगा और बस पहुंचने ही वाले हैं। हम अभी रानीबाग में हैं, फिर यहाँ से काठगोदाम जाएंगे, फिर काठगोदाम से आगे हल्द्वानी पड़ता है, फिर हल्द्वानी की फिर वहाँ आपको लॉकडाउन की हालत दिखेगी। तो नीचे एक नदी बह रही है जिसको गौला नदी कहते हैं, जहाँ मेरा फ़ोन कहीं गिर ना जाए, रात की डर है मेरे को। अच्छी नदी है ये हल्द्वानी। हल्द्वानी के लोग जो है वो इसी का पानी पीते हैं। और मेरा आपसे कहना है कि इस नदी को साफ रखिए, सारी नदी को साफ रखिए, स्वच्छ रखिए, स्वच्छ पानी सब कुछ। तो हम पहुँच चुके हैं काठगोदाम, काठगोदाम ही है ये, एक बिरयानी की दुकान बता रहे हैं। तो मामा उसका पेट प्रमोशन कर रहे हैं, उसका प्रमोशन कर रहे हैं मामा एक तरीके से। मामा कहना चाहते हैं कि जब यहाँ आओ तो खा लो, चलो छोड़ो मामा कह रहे हैं वो बंद है ना। ये है उस वो दुकान, यहाँ का नाम है A1 चिकन बिरयानी वाले। और यहाँ पे रेड लाइट है, रेड लाइट जंपिंग करके हम गए हैं। लेकिन एक बात और पता चली है हमें कि यहाँ की लाइट भी ख़राब है। और यहाँ के लोग इतने एंटी के ना, तीन तीन लोग एक बाइक में घूम रहे हैं, एक ने भी हेलमेट ही पहना है और नंबर प्लेट पे इन लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। शर्म क्या आनी चाहिए, वो एक नंबर के पागल लोग हैं। बाकी सब कुछ क्या कहें अब इन लोगों से भी, पर ये लोग रेलवे स्टेशन आ गया है। ये रेलवे स्टेशन है, मतलब नैनीताल के बाद जो पहला रेलवे स्टेशन पड़ता है वो काठगोदाम का ही है। उसके बाद आते रहते हैं, फिर काठगोदाम से प्लेन्स का एरिया स्टार्ट हो जाता है। ऐसी है पहाड़ का। सो हम पहुँच चुके हैं हल्द्वानी, यहाँ लॉकडाउन अच्छा चल रहा है, सिर्फ मेडिकल शॉप्स और ऊपर जगह वो खुली हुई है, मतलब मेडिकल शॉप से खुली है यहाँ ज़्यादा। और लोग मेडिकल शॉप्स आर ओपन, या ओनली मेडिकल।
भाई जी भैया। सो अब हम पहुंच चुके हैं ऊंचा पुल भवाली में, और गाड़ी छोड़ यार और क्या करते हैं यहाँ, तो बस कोरोना ने हालत खराब कर रखी है। कोरोना बस, अब तो कोई कह देता है मेरा ब्लड ग्रुप भी कोई पॉजिटिव बोलता है तो भाई साहब ऐसे डर लगता है। अब नेगेटिव सही है, पॉजिटिव का लगता है। और हमारे हिप्पोपोटामस में दर्द हो चुका है, बहुत दर्द हो रही है यार। सुबह से हमने बहुत ट्रैवल कर लिया है, तो पहले हम गए नैनीताल से, गए भवाली से गए कैंची, फिर कैंची से वापस भवाली आए, भवाली से भीमताल आए, फिर भीमताल से हम सीधे हल्द्वानी आए। बहुत लंबा सफ़र हो चुका है, मतलब 100 किलोमीटर से ऊपर का हमने सफ़र कर लिया है, और हालत एकदम डाउन है। एंडिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, ये मामा है, गर्मी से मरे हुए ये हमें बस पहुंच गए हैं अपने लास्ट पॉइंट पे। अब थोड़ा पानी वानी पीएंगे, फिर हमारी नानी खा पानी पी लेंगे, पानी वानी। और बहुत गर्मी हो रही है, मामा तो बिल्कुल नंगे बैठे हुए हैं, दिखाऊं ये देखा, यहाँ बिल्ले लोग नंगे बैठे हुए हैं। आपको एक सलाह दूंगा, लॉकडाउन में कभी भी नैनीताल घूमने मत आना, क्योंकि आपको हल्द्वानी से होते हुए आना पड़ेगा। ओके, फिर वीडियो एंड करते हैं, बाय बाय।